Hello everyone, I am Narend Kumawat, and in today's lecture we are going to discuss about the uses of prism. Okay, तो prism के क्या क्या uses होते हैं? Basically prism के दो use होते हैं. एक diagnostic purpose के लिए prism use किया जाता है ophthalmic के अंदर, और एक therapeutic purpose के लिए use किया जाता है. ठीक है ना, तो therapeutic purpose अपन बाद में देखेंगे, पहले अपन diagnostic purpose देखते हैं. ठीक है ना, सो diagnostic prism क्या होते हैं और उनका uses कहाँ कहाँ किया जाता है. ठीक है ना, तो डायग्नोस्टिक प्रिज्म की अगर मैं आपसे बात करूं, ठीक है, तो जो पहला उसका जो यूजेस है, असेसमेंट ऑफ स्क्वींट एंड हेट्रोफोरिया. ठीक है, तो स्क्वींट क्या होता है ये मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आपने देखा होगा कि किसी पर्सन की आंख में जो होती है ना, आई जो होती है वो या तो नोज की तरफ झुकी हुई रहती है, ठीक है, या फिर आउट रहती है ना, जिसको अपन बोलते हैं ना टेढ़ापन आ गया आंखों में, या पर उसको बोलते हैं कि देखता किधर है बात किधर करता है, कुछ ऐसे केसेस होते हैं. ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक इमेज बताऊं, ये इस टाइप का इमेज है ना, ये एक इमेज हो सकता है, स्क्विंट की प्रॉब्लम आती है यहाँ पर, है ना, ये तो स्क्विंट सर्जरी की जाती है. जैसे कि एक आंख जो इसका कॉर्निया जो है पूरा वो इधर आ चुका है ना, शिफ्ट हो चुका है. ये क्या होता है कि जो मसल्स होती है, आई मसल्स होती है, वो प्रेशराइज करती है उसको, और या तो बचपन से रहता है या फिर बाद में भी ऐसा हो सकता है ना, उस प्रेशर की वजह से. तो उसको आफ्टर थेरेपी है ना, उसको डायग्नोस्टिक करते हैं और उस आई को क्या क्या ज्यादा नॉर्मल आई में कन्वर्ट किया जाता है. ठीक है, तो इस पर्पस के लिए अपन क्या यूज करते हैं, तो यहाँ पे प्रिज्म यूज किया जाता है. ठीक है, तो अपन इसको देखते हैं, असेसमेंट ऑफ स्क्विंट एंड हेट्रोफोरिया. तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम है हेट्रोफोरिया में, उसमें क्या मेजरमेंट किया जाता है, तो एंगल मेजरमेंट किया जाता है सबसे मेन चीज. तो वो किस तरीके से करते हैं, सो द मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑब्जेक्टिवली बाय द प्रिज्म कवर टेस्ट. प्रिज्म कवर टेस्ट होता है, उसकी वजह से एंगल मेजर किया जाता है कि किस एंगल पे वो देख रहा है. मतलब जो नॉर्मली एंगल होता है वो हमारा फ्रंट रहता है, ठीक है ना, जीरो एंगल पे अपन देखते हैं, लेकिन हमें पता है कि ऑब्जेक्ट जीरो पे रखा हुआ है, मतलब मैं सीधे सीधे देख रहा हूँ. ठीक है, तो इसको मैं जीरो मानूंगा. ठीक है ना, सपोज दैट जीरो पे अगर मुझे कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा है, तो मुझे साइड व्यू देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपनी आंख को घुमाना पड़ेगा, है ना, आंख को मूव करना पड़ेगा, अपने को थोड़ा सा इधर की तरफ मूव करना पड़ेगा. तो हमारी जो आई होती है, ह्यूमन बींग की, वो कितना देख सकती है, तो हमारी जो आई होती है वो 150 डिग्री कवर करती है, 150 डिग्री कवर करती है. मतलब हम इधर से लेके इधर के बीच में 150 डिग्री पर अपनी आंखों से देख सकते हैं ह्यूमन बींग. जानवरों की बात करें तो जो गाय भैंस होती है, ये सब 180 डिग्री देख सकते हैं, मतलब 180 इधर से लेके इधर तक वो देख सकते हैं, दाया बाया दोनों देख सकते हैं, बस पीछे का नहीं देख सकते. तो वैसे ही जो एंगल मेजरमेंट किया जाता है कि वो जो पर्सन है जिसको ये जो प्रॉब्लम है ना, स्क्रीन की प्रॉब्लम है, वो कितना एंगल पर देख पा रहा है. ठीक है, तो फर्स्ट वी मेजर द एंगल. हम एंगल मेजर करेंगे कि वो उस आँख को कितना मूव कर पा रहा है, क्योंकि बहुत सारे का जो कॉर्निया होता है वो हमारी आँख की क्या होती है, वो टर्न कर लेती है इधर से इधर तक, है ना, वो टर्न नहीं कर पाते हैं. ठीक है, जिसको ये प्रॉब्लम्स होती है वो वाली. तो फर्स्ट केस क्या रहेगा हमारा, टू मेजर द एंगल ऑब्जेक्टिवली बाय द प्रिज्म कवर टेस्ट. और सेकेंडली अपन इसको वापस किससे मेजर करेंगे, बाय द मैडॉक्स रोड, है ना, मैडॉक्स रोड से भी उसको मेजर करेंगे. तो दो अपन केस देखेंगे नेक्स्ट. उसके बाद में क्या जाए, सर्जरी वगैरह जो की जाती है उसके बाद में, सो टू असेस द लाइकलीहुड ऑफ डिप्लोपिया आफ्टर प्रपोज्ड स्क्विंट सर्जरी इन एडल्ट. ठीक है, तो स्क्विंट सर्जरी करने के बाद में, है ना, जो डिप्लोपिया होता है उसको एक्सेस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ प्रिज्म. नेक्स्ट क्या रहेगा, मेजरमेंट ऑफ फ्यूजनल रिजर्व, है ना, फ्यूजनल रिजर्व को मेजर किया जाता है. और लास्ट जो हमारे पास है वो है, ये एफ ओ यू आर, इसको हटा देना, यहाँ पे एफ ओ आर करना है ना, फॉर डायप्टर प्रिज्म टेस्ट. लास्ट रहेगा डायप्टर प्रिज्म टेस्ट, मतलब पावर क्या होती है उसकी, प्रिज्म के अकॉर्डिंग टू द पावर, कि हमें उसको कौन सा प्रिज्म लगाना है ना, स्पेक्स के अंदर, यहाँ से ये वाला टेस्ट किया जाता है. तो ये चार मेनली उसके पॉइंट्स रहेंगे आपको, ठीक है ना, असेसमेंट ऑफ स्क्रीन एंड हेट्रोफोरिया के. नेक्स्ट में सेकंड जो इसका यूजेस है डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए, वो ये रहेगा कि असेसमेंट ऑफ सिमुलेटेड ब्लाइंडनेस. सिमुलेटेड ब्लाइंडनेस जो होती है ना, जो अंधापन होता है, जो दिखाई नहीं देता है, तो उसके लिए प्रिज्म क्या यूज किया जाता है. तो प्रिज्म का जो यूज करते हैं अपन आई के पहले करते हैं, बिफोर द आई. वो क्या करता है, तो जो पर्सन की जो आंख का जो शेप है, या जो वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फिक्स नहीं हो पा रही है, वो उस आई को मूव करके फिक्स करता है किसी पर्टिकुलर पोजिशन पर. सो प्रिज्म इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द सीइंग आई, है ना, जो आंख देख रही है उसके सामने अगर प्रिज्म को रख दिया जाता है, सो दैट प्रिज्म, है ना, दैट प्रिज्म
ट्राइज टू आई इन अ फिक्स पोजिशन। तो प्रिज्म उसको क्या करेगा, उस आई को एक जगह टारगेट करवाने की कोशिश करेगा। सो दी आई विल मूव टू रिगेन द फिक्सेशन, ठीक है ना, वापस के फिक्सेशन पे आ जाती है। सो दैट इज बेसिकली टू पर्पज, फर्स्ट एंड द सेकेंड वन इज असेसमेंट ऑफ सिमुलेटेड ब्लाइंडनेस। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं द फॉर्म ऑफ यूज ना प्रिज्म यूज्ड इन डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक के अंदर कितने प्रकार के प्रिज्म यूज किए जाते हैं, उनके फॉर्म्स क्या होते हैं, ठीक है ना, प्रकार क्या होते हैं। तो जो पहला टाइप होता है वो होता है सिंगल अनम्यूटेड प्रिज्म। सिंगल अनम्यूटेड प्रिज्म क्या होता है, ये जो शेप दिख रहा है आपको साइड में रखा हुआ, दैट इज सिंगल अनम्यूटेड प्रिज्म होता है, ठीक है। सेकेंड होता है द प्रिज्म फ्रॉम द ट्रायल लेंस सेट। ट्रायल लेंस सेट पर जो प्रिज्म होते हैं वो यूज किए जाते हैं, ठीक है, डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए वो ट्रायल लेंस सेट ऐसा होता है, ठीक। उसके बाद में प्रिज्म बार्स है ना, प्रिज्म बार्स भी यूज करते, बार्स के फॉर्म में, मतलब जो हल्की हल्की रोड शेप जो होती है, बार्स का जो फॉर्म होती है उसके फॉर्म में प्रिज्म होते हैं, उनको प्रिज्म बार बोलते हैं। ये देखो ये रखे हुए हैं प्रिज्म बार शेप, इसको बोलते हैं, ठीक है ना। सो दिस आर बार्स कंपोज्ड ऑफ एडजेसेंट प्रिज्म ऑफ इंक्रीजिंग पावर, अलग अलग पावर। जैसे कि मान लो ये जो सेट होता है बार प्रिज्म का, वो कैसे होता है, इसके अंदर छोटे छोटे बार्स यूज किए जाते हैं, छोटे छोटे प्रिज्म। ये जो पूरा सेट दिख रहा है आपको, ये वाला, ये पूरे इसमें बहुत सारे प्रिज्म हैं जो कैसे यूज किए गए, इसकी पावर कम है, इसकी ज्यादा, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, ऐसे करके उसकी पावर इंक्रीज होती जाती है। तो जो सेट बनता है उसको बोलते हैं अपन बार प्रिज्म। तो तीन टाइप के प्रिज्म डायग्नोस्टिक में यूज किए जाते हैं। पहला क्या होता है, सिंगल अनम्यूटेड प्रिज्म। सेकंड वाला क्या होता है, ट्रायल लेंस सेट, ठीक है। और थर्ड वाला क्या होता है, प्रिज्म बार। अब थेरेपेटिक पर्पस की बात कर लेते हैं ना, थेरेपी जो होती है उसके अंदर कौन से प्रिज्म यूज किए जाते हैं और क्या उसके पर्पस होते हैं, क्या यूज होते हैं। थेरेपेटिक प्रिज्म की बात करें तो कन्वर्जेंस इनसफिशियंसी, कन्वर्जेंस इनसफिशियंसी का मतलब ये होता है कि हमारे आई की जो कन्वर्जिंग पावर जो होती है वो क्या होती है, कम होती है। आई जो रेस को बैंड करने की जो पावर होती है वो कम होती है, ठीक, जिसकी वजह से जो इमेज बनता है वो पर्टिकुलर पोजिशन पर नहीं बनता है। तो उसके लिए अपन क्या यूज कर सकते हैं, वहां पर थेरेपेटिक पर्पस के लिए प्रिज्म यूज करेंगे। और वो क्या करता है, ठीक है, सो कॉमन नेस्ट थेरेपेटिक यूज ऑफ प्रिज्म इज ऑर्थोप्टिक्स, है ना, फॉर बिल्डिंग अप द फ्यूजनल रिजर्व्स ऑफ पेशेंट विद सीआई। मतलब थेरेपेटिक पर्पस के लिए बोल रहा है कि जिसमें कन्वर्जिंग पावर क्या होती है, कम होती है उसकी कन्वर्ज। जनरली आपने देखा होगा थेरेपेटिक पर्पस के लिए जो प्रिज्म यूज किया जाता है, जिसका जो उसमें क्या होता है कि पेशेंट की जो पावर होती है कन्वर्ज करने की, वो क्या होती है, बहुत ही कम हो जाती है। तो वहां पर अपन क्या यूज करेंगे, थेरेपेटिक प्रिज्म यूज करेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या होता है, बेस आउट प्रिज्म आर यूजिंग इन एक्सरसाइज पीरियड्स, ठीक है। बेस आउट प्रिज्म मतलब ये होता है कि प्रिज्म के कुछ वो होते हैं, टाइप होते हैं, जिसको अपन प्रिज्म की पोजीशन बोल सकते हैं, बेस आउट, बेस इन, है ना, बेस अप, बेस डाउन। तो मतलब बेस डाउन का मतलब ये हो रहा है कि आपने जो प्रिज्म यूज किया है लेंस में, उसका बेस कहाँ है, नीचे है, तो उसको अपन बोलेंगे बेस डाउन, है ना। अगर आपने प्रिज्म को उल्टा लगाया है चश्मे के अंदर, तो उसको बोलते हैं बेस अप। मतलब उस प्रिज्म का जो बेस, मैंने आपको बताया था कि ऊपर जो एंगल होता है वो एपेक्स होता है और नीचे उसका बेस होता है। तो बेस अगर नीचे रखा हो तो बेस डाउन बोलते हैं। बेस अगर उल्टा रख दिया प्रिज्म ने आपको लेंस के अंदर, मतलब ग्लव स्पेक्स के अंदर, तो बेस अप हो जाएगा, ठीक। अगर बेस अंदर की तरफ दिख रहा है आपको तो बेस इन, और बेस अगर बाहर की तरफ दिख रहा है तो अपन बोलेंगे बेस आउट। तो यहाँ पर बेस आउट प्रिज्म यूज किया जाता है, ओके। एंड दे आर नॉट वर कॉन्स्टेंटली, ठीक है ना, उसको मतलब किसी भी पर्टिकुलर कॉन्स्टेंट तरीके से पहना नहीं जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो पर्पस रहता है थेरेपेटिक पर्पस में, वो रहता है टू रिलीव, है ना, डिप्लोपिया इन सर्टेन केसेस ऑफ स्क्विन, है ना। कुछ स्क्विन केसेस जो होते हैं उसके अंदर डिप्लोपिया के फॉर्म में भी अपन थेरेपेटिक पर्पस, वहाँ पे थेरेपी करनी पड़ती है, ठीक है। उस पर्पस के लिए जो प्रिज्म यूज करेंगे उसको थेरेपेटिक पर्पस बोलेंगे अपन, ना, थेरेपेटिक पर्पस प्रिज्म के अंदर आएगा। सो इंक्लूडिंग डिकम्पेंसेशन, है ना, हेट्रो फॉर यस स्मॉल वर्टिकल स्क्विंड, एंड जो बहुत कम टाइप का स्क्विंड होती है वो वर्टिकल फॉर्म में, मतलब काफी ये जो आग के अंदर जो ऐसी मूड कर रही है, ये जो आई है ना, इस तरीके से ये हॉरिजॉन्टल बोलते हैं इसको, है ना, हॉरिजॉन्टल स्क्विंड बोलते हैं इसको। वो वर्टिकली अपवर्ड की बात कर रहा था, वर्टिकली अपवर्ड का मतलब होता है कि जो
इसमें कोई पिक्चर होगा, एक सेकंड में आपको बताता हूँ। व्हाट दैट इज द वर्टिकली अपवर्ड। ये देखिए ये वाला जो शेप है दैट इज वर्टिकली अपवर्ड वाला है ना। इस केस के लिए अपन थेरेपेटिक पर्पस वाले प्रिज्म का यूज करेंगे। वर्टिकली अपवर्ड्स मतलब आई कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। वर्टिकली डाउनवर्ड्स मतलब कहाँ जा रही है, जो कॉर्निया का शेप है वो नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, सो वर्टिकली अपवर्ड पर्पस के लिए स्मॉल वर्टिकल स्क्रीन मतलब बहुत कम, मतलब जो कॉर्निया है वो शिफ्ट पूरा नहीं हुआ है लेकिन हल्का सा हुआ है, एंड सम पैराटिक स्क्रीन के हो है ना, या फिर वर्टिकली अपवर्ड वाला हो है ना, पैरालिटिक स्क्रीन हो विद डिप्लोपिया इन द प्राइमरी पोजिशन। प्राइमरी पोजीशन जो एक्चुअल होती है उसके साथ में या फिर उसके अलावा अगर जो वर्टिकली हो रहा है या फिर पैरालिटिक हो रहा है तो उसके फॉर्म में अपन जो प्रिज्म यूज करें वो थेरेपेटिक पर्पस प्रिज्म यूज किए जाते हैं। अब वो क्या होते हैं मैं आपको बताऊँ आगे वाले में है ना। नेक्स्ट, प्रिज्म आर रिजर्व्ड फॉर दोज पेशेंट ना फॉर होम सर्जरी इज नॉट इंडिकेटेड। मतलब प्रिज्म बेसिकली अपन उन लोगों के लिए यूज करेंगे मेनली है ना, जिनकी सर्जरी पॉसिबल नहीं है या सर्जरी नहीं की जाती, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि उसका जो प्रॉब्लम है ठीक है वो बिना सर्जरी के क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। लेकिन सर्जरी करने के हो सकता है सर्जरी से थोड़ी बहुत सही हो जाए, उसके बाद में भी उसको प्रॉब्लम आए तो वी आर सजेस्ट हिम टू वेयर सच काइंड ऑफ स्पेक्स इन विच वी आर यूजिंग प्रिज्म सेट लाइक। ओके, प्रिज्म का पर्पस ही यही होता है मेनली कि अपन उसको कॉमनली सर्जरी को अवॉइड करें और उसको प्रिज्म की हेल्प से पर्टिकुलर पोजिशन पे उसको जो उसका विजन है वो इंक्रीज कर सके। हो सकता है कि विजन कम्प्लीटली वो हो जाए तो उसको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर मान लो विजन पूरी तरह से कम्प्लीट क्लियर नहीं हुआ तो वहाँ पर अपन इसका यूज करते हैं। ठीक है, और आफ्टर सर्जरी भी इसका यूज किया जाता है ताकि आई कम्प्लीटली सेट हो सके कुछ टाइम के लिए। अब थेरेपेटिक प्रिज्म कैसे होते हैं ना, उनके टाइप्स क्या होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, तो फॉर्म्स ऑफ थेरेपेटिक प्रिज्म की बात करेंगे। तो सबसे पहला वाला जो होता है टेम्पोरेरी वियर, मतलब कुछ समय के लिए पहने जाने वाला है ना। जैसे कि आपने देखा होगा किसी का आई का ऑपरेशन होता है तो कुछ टाइम के लिए चश्मा लगाना रहता है, उसके बाद वो मना कर देता है कि नहीं अब आपको ज्यादा उसके बाद लगाने की जरूरत नहीं है। सो वैसे ही थेरेपेटिक पर्पज के लिए मैंने बताया ना आपको कि थेरेपी के बाद में भी अगर कुछ स्पेक्स के अंदर अपनों ने प्रिज्म यूज किया है तो कुछ टाइम के लिए उसको लगाना पड़ता है ना, वो वाली बात कर रहा था। दैट इज टेम्पररी वियर की बात कर रहा है ना, कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए। सो प्रिज्म यूज्ड इन ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग चिप, उसमें क्या होता है सॉरी इंक्लूडिंग क्लिप ठीक है, ऑन स्पेक्टेकल प्रिज्म फॉर ट्रायल वियर है ना। ट्रायल वियर मतलब ट्रायल के फॉर्म में भी उसको जो ऐसे स्पेक्टेकल्स यूज करते हैं जिसके अंदर प्रिज्म हो ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अपन बात करें तो ऐसे कौन से प्रिज्म होते हैं जिनको अपन ट्रायल बेसिस पर यूज करते हैं या फिर पहनाया जाता है आफ्टर थेरेपी, वो होता है एक फ्रेसनल प्रिज्म है ना। ये लैंग्वेज के फॉर्म में इसको प्रोनाउंसिएशन दो टाइप से करते हैं, इसको फ्रेसनल प्रिज्म भी बोलते हैं, इसको फैनल प्रिज्म भी बोलते हैं। फैनल अमेरिकन लोग जो होते हैं वो फैनल फैनल वर्ड यूज करते हैं इसको ना फैनल। सो आप चाहो तो इसको फैनल बोल सकते हैं, चाहो तो इसको फ्रेसनल प्रिज्म बोल सकते हैं। फ्रेसनल प्रिज्म क्या होता है, एक शीट होती है प्लास्टिक टाइप की शीट होती है पतली, एंड दिस इज वेरी थिन लेंस सॉरी थिन प्रिज्म, सबसे थिन प्रिज्म जो होता है वही फ्रेसनल प्रिज्म होता है। और ऑप्थेल्मिक के अंदर सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो फ्रेसनल प्रिज्म ही यूज किया जाता है ठीक है। सो टेम्पररी वियरिंग के लिए जो यूज करते हैं वो कौन सा होता है, फ्रेसनल प्रिज्म होता है ठीक है। इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, देखो लिखा हुआ है ना फ्रेसनल ठीक। नेक्स्ट, ये देखो इसमें फ्रेसनल प्रिज्म को पूरा इस तरीके से बताया जाता है कि जो सॉलिड प्रिज्म होता है फ्रेसनल प्रिज्म किस टाइप से होता है ना। सो इक्विवेलेंट सॉलिड प्रिज्म इस टाइप से उसका हाइपोटेन्यूस होता है एंड देयर इज द शेप ऑफ फ्रेसनल प्रिज्म ठीक है। फ्रेसनल प्रिज्म के बारे में और डिस्कस करते हैं है ना। फ्रेसनल प्रिज्म मैंने ये देखो इसमें प्लास्टिक शीट बताया ठीक है ना, मैंने वो बताया प्लास्टिक शीट का फॉर्म होता है वो कैसे होती है देखते हैं। सो व्हाट इज, आपसे को पूछ ले अगर एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन के डिस्क्राइब फ्रेसनल प्रिज्म तो आप इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे, तो आपको लिखना है वहां पर कि इट कंसिस्ट ऑफ प्लास्टिक शीट और पैरेलल टाइनी प्रिज्म ऑफ आइडेंटिकल रिफ्रेक्टिंग एंगल्स। मतलब एक प्लास्टिक शीट होती है जिसके अंदर छोटे छोटे ना छोटे छोटे पैरेलल प्रिज्म लगे होते हैं, पैरेलल मतलब एक के बाद एक है ना। जैसे कि देखिए ये वीडियो के अंदर आपको कुछ लाइंस दिख रही होगी, ऐसे बारीक बारीक लाइन दिख रही है, ऐसे 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 हल्के 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 बहुत सारी लाइन दिख रही है। सो हम कह सकते हैं कि दिस ऑल लाइंस आर पैरेलल, ये सारी लाइंस क्या है,
पैरेलल है, एक साथ है, मतलब ये ऐसे ऊपर 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 आ रही है ना सारी पैरेलल लाइन से, या फिर मैं ऐसा कहूँ कि ये जो लिखा हुआ है जैसे ना एक लाइन, ये दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी, छठी, तो ये सारी लाइन्स क्या है, ये सारी लाइन्स पैरेलल है। तो इस फॉर्म में क्या लगे होते हैं, प्रिज्म लगे, जैसे पहला प्रिज्म लगा, फिर दूसरा लगा, फिर तीसरा लगा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे प्रिज्म लगे होते हैं एक प्लास्टिक शीट के अंदर, क्योंकि सारे प्रिज्म कैसे उनका रिफ्रेक्टिंग एंगल क्या हो, आइडेंटिकल हो, मतलब रिफ्रेक्टिंग एंगल क्या हो, यूनिक हो, है ना, सबका रिफ्रेक्टिंग एंगल क्या हो, आइडेंटिकल हो, अपने आप में पूर्ण हो। ऐसे बहुत सारे प्रिज्म का एक सेट लगा होता है किसी प्लास्टिक की शीट में, तो उसको अपन बोलते हैं फ्रेस्नल प्रिज्म। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेस्नल प्रिज्म के बारे में पॉइंट है कि द ओवरऑल प्रिज्मेटिक इफेक्ट इज द सेम एज दैट ऑफ द सिंगल लार्ज प्रिज्म। मतलब अब फ्रेस्नल प्रिज्म कैसे बना है, प्लास्टिक की शीट के अंदर बहुत सारे प्रिज्म को आपने क्या कर दिया, जोड़ दिया, और उससे जो बना उसको आपने नाम दिया फ्रेस्नल प्रिज्म। इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि अलग अलग प्रिज्म का जो इफेक्ट होगा वो अलग अलग होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, जितने भी प्रिज्म होते हैं उन सब का इफेक्ट एक जैसा होता है और एक रिजल्टेंट इफेक्ट के फॉर्म में बाहर आता है। मतलब आपने 500 प्रिज्म लगाया उसके अंदर प्लास्टिक शीट के अंदर, और एक बड़ा प्रिज्म बनाया फ्रेस्नल प्रिज्म, ठीक है, तो 500 का वर्किंग अलग अलग नहीं होगा, 500 का इफेक्ट एक जैसा होगा और एक सिंगल फॉर्म में होकर बाहर आएगा। सो वी कैन से दैट हियर कि द ओवरऑल प्रिज्मेटिक इफेक्ट इज द सेम एज दैट ऑफ द सिंगल लार्ज प्रिज्म। ठीक है, उसका प्रिज्मेटिक इफेक्ट कैसा होता है, सभी का सेम होता है, मतलब एक प्रिज्म जो वर्क करता है सेम टू सेम सारे प्रिज्म वैसा ही वर्क करते हैं। शीट्स आर लाइटर देन द ग्लास प्रिज्म। ये जो प्रिज्मेटिक प्लास्टिक शीट जो होती है ना प्रिज्म प्रिज्म की, ये क्या होती है, द शीट्स आर लाइटर देन अ ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म जो होता है उससे हल्की होती है, ठीक है, एंड कैन बी स्टक ऑन द पेशेंट्स ग्लासेस, पेशेंट के जो आई ग्लास के ऊपर भी इसको अपन यूज कर सकते हैं चाहे तो, या भी स्पैक्स जो होता है ना, जो बना होता है ना ग्लास का बना होता है, उसके ऊपर भी ये इजीली स्टक्ड हो जाती है, कौन, फ्रेस्नल प्रिज्म की जो प्लास्टिक शीट होती है वो चिपक जाती है। ठीक है, तो बहुत यूजफुल है और बहुत इट इज इजी टू यूज, है ना, इसको आसानी से यूज किया जा सकता है, इसलिए इसका यूज बहुत किया जाता है। ठीक है, सेम इमेज है, मतलब एडवांटेजेस क्या क्या है इसके, ना फ्रेस्नल प्रिज्म के एडवांटेजेस क्या है, तो इट इज वेरी थिन, मैंने बताया था आपको कि सबसे पतला प्रिज्म होता है वो फ्रेस्नल प्रिज्म होता है, ठीक है ना, एंड एक्सट्रीमली लाइट वेट, मतलब बहुत हल्का होता है। ठीक है, अगर आपने आई लेंस पर भी इसका यूज किया ना तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि कुछ लगा रखा है आई लेंस पर, कुछ वेट है या कुछ ऐसा है, ठीक है ना, बहुत पतला होता है, पता भी नहीं चलता है, और लाइट वेट भी बहुत होता है, चाहो तो स्पेक्स के अंदर इसका यूज कर सकते हैं या फिर आई लेंस के ऊपर इसका यूज किया जा सकता है। इट इज फ्लेक्सीबल, एक तो फ्लेक्सीबल होता है तो आपको आई को कम ऊपर नीचे करने पर, या फिर आंख के ऊपर आपको बंद, जैसे अपन जो आई आई ब्लिंकिंग करती है ना, तो उसमें भी इसको इसको वो दिक्कत नहीं आती है। ठीक है ना, सो इट इज फ्लेक्सीबल एंड कैन बी अप्लाइड टू एन एग्जिस्टिंग स्पेक्ट्रल लेंस, जो स्पेक्ट्रल लेंस होता है, जो स्पेक्स होता है उसके लेंस पर भी इसको लगाया जा सकता है, मतलब एग्जिस्टिंग जो पुराना वाला रखा हुआ उसके ऊपर भी इसको यूज किया जा सकता है, एंड इट कैन बी कट टू एनी शेप विथ सीजर्स और अ रेजर ब्लेड। जो हमारी पत्ती होती है रेजर, शेविंग ब्लेड जो होती है उससे, रेजर ब्लेड होती है उससे, या सीजर से भी इसको आप काट सकते हैं किसी भी शेप में। ठीक है, बहुत सारे सोचते हैं कि जैसे कि आपने देखा होगा आई लेंस आते हैं ना अलग अलग आंखों के, नीली कलर के आंखें, ब्लू कलर के आंखें, है ना, कोई ब्राउनी आई के लिए, तो वो जो उसका जो शेप होता है वो भी कैसा होता है, सीजर से उसको काटा जा सकता है, किसी भी शेप में आप उसको बना सकते हैं, जैसे भी तरीके आंखें चाहते हैं वैसे। तो ये जो अपने पास में जो फ्रेस्नल प्रिज्म है ना, इसको भी अपन किसी भी शेप में काट सकते हैं और लगा सकते हैं ना। नाउ रिड्यूस मैग्निफिकेशन डिफरेंसेस कंसिडरेबली। ये क्या करता है कि जो मैग्निफिकेशन डिफरेंसेस जो होता है, क्या होता है जनरली, वैसे तो प्रिज्म में मैग्निफिकेशन नहीं होता है, मतलब प्रिज्म आपने देखा को लेंस जो अगर आपने लगा लिया है ना, तो लेंस दो टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स होता है, कॉनकेव होता है। तो कॉनकेव के अंदर इमेज कैसा बनता है, छोटा, मतलब मिनीफाइंग करता है, मतलब कम बना देता है, इमेज का जो शेप है जो साइज है उसको कम कर देता है, और कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो साइज को क्या कर देता है, बड़ा कर देता है ना। वो डिपेंड करता है किस पोजिशन पर लगा रहे हो, पर मेनली अपन जिस पोजिशन पर लगाते हैं वहां पर इमेज क्या होगा, लार्ज कर देगा। लेकिन ऐसा जैसा लेंस में होता है वैसा प्रिज्म के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ये लिखा हुआ स्पष्ट है कि रिड्यूस मैग्निफिकेशन डिफरेंसेस कंसिडरेबली, है ना, यहाँ पे मैग्निफिकेशन जो है वो रिड्यूस नहीं होता, उसको कंसिडरेबली किया जाता है, मतलब उतने ही अमाउंट में रहता है जितने अमाउंट में इमेज है उसी का सेम साइज आपको दिखाई देता है। ठीक है,
अब डिसएडवांटेजेस क्या होता है फ्रेजनल प्लेसमेंट, है ना। तो फ्रेजनल प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और फ्रेजनल प्लेसमेंट क्या होता है ये आपको 100% पता होना चाहिए। कैसे बनाया जाता है मैंने बता दिया, प्लास्टिक की थिन प्लेट्स होती है, उस प्लेट्स के फॉर्म में अपन सिक्वेंस वाइज क्या लगा देते हैं, बहुत सारे प्लेसमेंट लगा देते हैं, और उन सभी का जो वर्किंग होता है वो क्या होता है, एक सिंगल प्लेसमेंट के जैसा होता है, जो सेट बनता है दैट इज नोन एज फ्रेजनल प्रिज्म, उसको फ्रेजनल प्रिज्म बोलते हैं, ठीक है। इसको कैसे यूज किया जाता है, तो उसको आई के आई लेंस पर भी लगाया जा सकता है, या स्पेक्टल्स जो होता है अपना पुराना चश्मा जो होता है उसके ऊपर भी इसका यूज किया, है ना। स्पेक्स होना चाहिए, बात ध्यान रखना बस, है ना, ऑप्टिकल स्पेक्स होना चाहिए, उसके अंदर भी इसका यूजेस किया जा सकता है, ठीक है। और एडवांटेजेस मैंने बहुत सारे बता दिए, अब डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। सो दे आर हार्डर टू क्लीन, है ना, देन कन्वेक्शनल लेंसेस। जनरली क्या होता है कि आई लेंस जो आते हैं, कन्वेक्शनल लेंसेज जो होते हैं ना, उसको आंखों पे लगा लिया जाता है या फिर स्पेक्स में लगा लिया जाता है, उसको अपने इजी क्लीन कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं। लेकिन ये जो प्रिज्म है अपने पास में, फ्रेशनल प्रिज्म है, इसको आसानी से आप साफ नहीं कर सकते, अगर वो गंदा हो जाता है तो उसको इजिली क्लीन नहीं हो पाता है, ठीक है। ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस है। दूसरा, फ्रेशनल प्रिज्म आर ऑल्सो कॉजेज अ स्लाइट लॉस ऑफ विजुअल एक्विटी कॉजेस्ड बाय रिफ्लेक्शन फॉर द प्रिज्म ग्रेटर देन 10 डायप्टर। मतलब ये हो रहा है कि अगर आपने ऐसा प्रिज्म यूज किया, है ना, जिसका पावर जो है वो 10 डायप्टर से ज्यादा है, ठीक है, तो जो स्लाइट लॉस जो होता है, स्लाइट लॉस ऑफ विजन, स्लाइट लॉस ऑफ विजन का मतलब ये होता है कि देखने की क्षमता जो होती है ना, लाइन ऑफ साइट जो होती है देखने की, मतलब अगर मैं कहूँ कि विजन का जो एरिया होता है, विजन का एरिया मैं इसको कैसे समझाऊँ आपको, कि सपोज मान लेते हैं कि आप यहाँ खड़े हैं, है ना, ध्यान से देखना और समझना इस चीज को, और यहाँ से आप ये इतना और इतना देख पा रहे हैं, ध्यान से देखना, ये आपने एंगल बनाया, ये लाइन ऑफ साइट है आपकी, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब आप यहाँ से लेके यहाँ तक का देख पा रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक आप कवर कर पा रहे हैं। तो ये प्रिज्म लगाने के बाद में है, 10 डायप्टर से ज्यादा पावर का अगर प्रिज्म आपने लगा दिया तो लाइन ऑफ विजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब आप यहां से लेके यहां तक नहीं देख पाओगे, अब आप यहां से लेके सिर्फ यहां तक ही देख पाओगे, तो क्या हो रहा है, रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। सो फ्रेटन प्रिज्म ऑल्सो कॉज अ स्लाइट लॉस ऑफ विजन, है ना, एक्यूटी कॉज्ड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ प्रिज्म ग्रेटर देन 10 डायप्टर। तो रिफ्लेक्शन की वजह से क्या होता है ना, अगर ज्यादा वो जो ज्यादा पावर का आपने प्रिज्म यूज किया है, तो उसका आपको जो विजन का क्राइटेरिया है ना, लाइन ऑफ व्यू जो है ना, वो क्या हो जाएगा, फील्ड ऑफ व्यू थोड़ा सा कम हो जाता है ना, मतलब दिखता तो है आपको लेकिन क्लियर नहीं दिखेगा फिर, क्योंकि प्रिज्म से आपको अच्छा दिख रहा है, तो आप अभी यहाँ से लेके सपोज अगर यहाँ तक देख पा रहे हो, इस कोने से लेके इस कोने तक, तो इतना नहीं देख पाओगे आप, यहाँ से लेके फिर यहाँ तक ही देख पाओगे, बाकी का विजन आपको नहीं दिखेगा, लेकिन ये जो दिखेगा वो आपको क्लियर दिखेगा, ठीक है। सो सम एडवांटेजेस है ना ऑल्सो, एंड इट हैव सम डिसएडवांटेजेस ऑल्सो। एक तो साफ करना बहुत मुश्किल है इसको, ठीक है, और दूसरा विजन को क्या कर देगा, फील्ड ऑफ विजन को थोड़ा सा कम कर देता है, ठीक है ना, बाकी क्लियरिटी आपकी बढ़ा देगा। व्हेन आर फ्रेशनल प्रिज्म यूज्ड, कब फ्रेशनल प्रिज्म यूज किया जाता है, ठीक है, कब हमें यूज करना चाहिए, सो हाई अमाउंट ऑफ प्रिज्म, है ना, हाउ हाई अमाउंट ऑफ प्रिज्म, है ना, यूज ऑफ रियूज, है ना, मतलब इसको वापस से रियूज भी किया जा सकता है, ठीक है। सेक्टोरियल एप्लीकेशंस के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है ना, एंड स्लोइंग ऑफ निस्टेगमस के अंदर भी इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे जब जब भी प्रॉब्लम होती है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ठीक है, आप चाहो तो इसको सर्च कर सकते हो नेट पे कि कौन कौन सी प्रॉब्लम क्या क्या होती है, ये जब भी प्रॉब्लम होती है देन यू कैन यूज फ्रेशनल प्रिज्म, है ना। परमानेंट वियर की बात कर रहा है ना, हमेशा के लिए पहने जाने वाला प्रिज्म, है ना। सो प्रिज्म कैन बी माउंटेड इन स्पेक्टल्स परमानेंटली। माउंटेड इन स्पेक्टल्स का मतलब ये होता है कि चश्मा जो होता है, या तो उसके जो कवर होते हैं, ग्लास का जो सेट होता है, उसके ग्लास के अंदर ही उसको क्या किया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है, या फिर उसके इंटरनल पार्ट में अंदर के तरीके से उसको ऐसा स्टिक्ड कर दिया जाता है कि वो वापस से बाहर नहीं निकल पाता। और रही बात क्या उसको क्लीन करने की होती है, तो हम उसके ऊपर एक पतली कवर चढ़ा देते हैं ग्लास की, इस तरीके से उसको मेल्ट करके, ग्लास को मेल्ट करके इस तरीके से उसको शिप वो किया जाता है कि उसके ऊपर कवर रहे ग्लास का, नीचे भी कवर रहे, और बीच में कौन रहे, प्रिज्म रहे, तो उसको आपको साफ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो दैट इज परमानेंटली वेयर केस, ओके, इसको परमानेंटली हमेशा के लिए पहने जाने वाला।
ठीक है, तो आज के लिए यही था। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। ठीक है, अच्छे से पढ़े।